शिवपुरी में झांसी रोड ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई और इस दौरान कई पार्टी नेताओं ने ईदगाह आकर मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की बधाई दी। ईद के मौके पर भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली, जहां सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी, साथ ही एक दूसरे को सिवैयां भी खिलाई और इस पर्व को मनाया। संस्कृति की सुगंध आती है यहाँ, हमें बड़ी अपार खुशी मिलती है। हमारी हजारों साल की सभ्यता है, हिंदू मुस्लिम दो भाई मिलकर रहते थे, प्रेम से रहते थे। इस देश की संस्कृति में इस माटी की विशेषता है और मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग भाईचारे के साथ प्रेम मोहब्बत के साथ रहें और हमारा शहर अमन का शहर है। हमें कभी नहीं लगा कि हम दो अलग वो है, हम तो भाई मानते हैं। और मैं जिस बस्ती में और आप सब लोगों के बीच में रहता हूँ, यहाँ आके जो मुझे असीम प्रेम स्नेह और अपनत मिलता है, उसके लिए मैं हृदय से सभी मुस्लिम बंधुओं का आभारी। मैं तो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आया हूँ ईद के मौके पर। इस अमन चैन का ये शहर शिवपुरी, अमन चैन का ये देश हिंदुस्तान में अमन चैन कायम रहे, भाईचारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए देश जाना जाता है, ऐसी भाईचारा बना रहे, बेमनस्ता इस देश से इस शहर से खत्म हो। ये ईद की खुशियां सभी मिलजुल कर मनाते हैं और यहाँ गले मिलकर एक अजीम ऐसा पैगाम दिया जाता है कि दुनिया भर में तमाम त्यौहार नेक संदेश देते हैं, लेकिन ईद ही एक ऐसा अनोखा त्यौहार है जिसमें दिलों को दिलों से मिलाया जाता है, गलों से गले मिलकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जाता है। ये मोहब्बतों का त्यौहार है, एकता का त्यौहार है, शांति सद्भावना को पैदा करता है और दिलों को मिलाकर नफरतों को मिटाता है। ऐसा अजीम त्यौहार ये हमारा ईद है और ऐसे ही त्यौहार हमेशा गंगरी जमीनी तहजीब के साथ पूरे देश